व्हाट्स अप गाइस, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्नो। सो गाइस, दिस इज मयू हियर। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, फिर मैं ये लेक्चर शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर का जो शुरू ये है कि आप सोच रहे हैं कि मैं जीडी सी एग्ज़ाम मराठी में दूंगा एंड आई विल गेट मोर वैल्यू। मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बोल देता हूँ कि देर इज़ नो वैल्यू इन द मार्केट फॉर मराठी। ठीक है, आप समझ, मैं आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कुछ ऐसा पर्पस है, कुछ ना कुछ कुछ भी पर्पस नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल ही बोल रहा हूँ। मैंने खुद देखे एज बिंग लिविंग इन द मुंबई। ठीक है, या कहीं पुणे में भी रहेंगे आप, या मुंबई में रहें, किधर भी रहें, कोई गाँव में रहे, किधर भी, अहमदनगर, बहुत सही जगह है। ठीक है, सो मैं बस यही बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे हो कि जी डी सी एग्ज़ाम मराठी में दूंगा, बट आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ कि ये एग्ज़ाम आपको अपग्रेड, आपको नॉलेज अपग्रेड करना, आपको चीज़ें अपग्रेड करनी है। ठीक है, अगर सपोज़ आपका प्लान है कि अब्रॉड जाके वर्क करना है, या अच्छी खासी बड़ी कंपनी में काम करना है, या खुद का बड़ा ऑफिस खोलना है, ठीक है, सो आपको, आप डीमोटिवेट या कुछ नेगेटिव सेंस में मत लेना। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि खासकर स्पेशली ये एग्ज़ाम मराठी में मत दो। ठीक है, अगर आप अभी भी अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो देर इज़ अ प्रॉब्लम विथ यू। ठीक है, सॉरी बट ये बोलना पड़ा, क्योंकि बट आप सोच रहे कि मैं एग्ज़ाम मराठी में दूँ और अच्छा खासा कुछ मिल जाएगा, तो अभी भी आप गलत होप में हो। ट्राई टू डू इन इंग्लिश एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ जॉब इन मुंबई एंड पुणे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देते हो तो, ठीक है, सी ए फर्म्स यूजली आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश वगैरह में देते हो और लाइक यू आर हैविंग अ गुड स्कोर और रैंक वगैरह। ठीक है, अब आते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो एटलीस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक जो भी अपडेट आती है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि जो भी नए नए जो कोर्स आएंगे उन सबके भी हम लोग लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, सो जितना हो सके स्टे कनेक्टेड एंड विल सपोर्ट यू ऑल द टाइम। यू कैन कॉल मी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये क्या करूँ इसके आगे, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सपोज आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, आप आज किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो या लाइक आपको अटकना, अभी क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन हो गया, ये हो गया, उसके बाद क्या करूँ मैं, स्टिल आई विल हेल्प यू इन दैट वे। ठीक है, सो आगे शुरू करते हैं। देखो, ये चैप्टर का नाम है ऑडिट डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। देखो, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या है? यू आर डूइंग अ स्क्रूटनाइजिंग ऑफ वॉट? बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट का स्क्रूटनाइज करना इज ऑडिट। ठीक है, अब मैं स्क्रूटनाइज तो कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट ही देख रहा हूँ, उसमें और भी चीज़ें आती, मैनेजमेंट भी दिखता हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट के भी ऑडिट होते हैं, कंपनीज के भी ऑडिट होते हैं, सोशल ऑडिट भी होते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑडिट होते हैं। ठीक है, सो अब हम एक एक करके डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो चालू करता हूँ। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, देखो मीनिंग ऑफ ऑडिट में हम लोग, इट इज़ एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स टाइपिकली बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। बराबर भाई, एक बॉडी होती है, कोई भी एक फर्म होती है, वो क्या करती है, वो ऑडिट करती है। ठीक है, सो वो लोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, कंपनी भी एक इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, द टर्म ऑडिट यूजली रिफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। ठीक है, अब ये जो है क्या बोल रहा है, द टर्म ऑडिट यूजली रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। देखो कैसा रहता है ना, किसी भी चीज़ का ऑडिट करते हो आप या ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑडिट मोस्टली जो होती है, जो आया ही ऑडिट जो वर्ड है वो मोस्टली अकाउंटिंग ऑडिट के लिए आया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब देख दूसरा आते हैं, ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इंटरनली बाय एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नली बाय एन आउटसाइडर। देखो कैसा रहता है ना, इंटरनल जो होता है, मैं सी ए को हायर कर लूँ और खुद की कंपनी का इंटरनल ऑडिट करा दूँ, और मेरे को जो बाहर के फर्म से काम कराना है वो एक्सटर्नल ऑडिट करा दूँ, तो बहुत दोनों साइड के ऑडिट होते हैं। ठीक है, सो ये देखो मैंने ऑडिट का कुछ थोड़ा सा एक मीनिंग दिया है इसमें, मतलब ऑडिट में क्या क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है, ऑपरेशन आता है, क्वालिटी आता है, प्रोसीजर आता है, कंप्लायंस आता है, असेसमेंट भी आता है। असेसमेंट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ऑडिट, एक चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फीचर ऑफ ऑडिट। फीचर ऑफ ऑडिट में क्या आता है भाई, देखो सबसे पहले तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखो आप कोई भी ऑडिट करेगा तो उसको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, उसके अकाउंटिंग के रूल पता होना चाहिए, सो ही नो द कौन से फॉर्म फिल करना है, कौन से साइट पे उसका अपलोड करना है, कौन कौन से वाउचिंग्स डॉक्यूमेंट रिफर करना है, कौन कौन से इंस्पेक्शन करना है, एग्जामिनेशन करनी है, कौन कौन सी क्लोजिंग एंट्री पास करनी, सो इट्स अ होल सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब थ्री पार्टी रिलेशनशिप। देखो ये थ्री पार्टी क्यों है भाई, थ्री पार्टी ये ऐसा होता है ना, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक अकाउंटेंट होता है, ठीक है, एक कंपनी होती है और एक फर्म होते हैं, फर्म में कौन होता है, ऑडिटर होता है, तो ऑडिटर अकाउंटेंट कंपनी। ठीक है, तो ये तीन पार्टी है, तीन पार्टी ये इसलिए रिलेशन है क्योंकि तीनों इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, कंपनी को भी
पैसे से मतलब है, अकाउंटेंट को भी वही अकाउंटेंट करनी, अकाउंटिंग करनी है, ऑडिटर को भी वो चेक करना है। तो तीनों बंदे इन अ रिलेशन, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर्स ये करता है क्योंकि ये एक वर्ड टू वर्ड डिफर करता है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भाई ये ऑडिट कर रहा हूँ तो ये भी ऑडिट है, ये करो तो ये भी ऑडिट है, ऐसा नहीं होता है। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, द वर्क यू डू उसके बेस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं एविडेंस। एविडेंस में देखो क्या भाई, एविडेंस ऑडिट का बहुत एसेंशियल पार्ट है, ऑडिट का एसेंशियल पार्ट है। सो एवरीवन मस्ट नो द एविडेंस इज रिक्वायर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट एसेंशियल टूल्स, तो ये सब क्या है, एविडेंस के रूप में बहुत काम करेंगे, ठीक है। सो वो सब एविडेंस में चले गए, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट क्राइटेरिया, देखो एस्टैब्लिशमेंट क्राइटेरिया होता है, अब ऐसा नहीं बीच में आके कभी भी उठ के बोलोगे मेरे को ऑडिट करना है, ठीक है, करना था ठीक है, बट आर यू अपॉइंटेड फॉर द ऑडिट, ऐसा नहीं होता है ना। आप बोलोगे मेरे को ऑडिट करना, तो देर इज अ स्पेशल फॉर्म के लाइक स्पेशल ऑडिट करना है या आपको एनुअल ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट करना है, तो हर एक पीरियड रहता है, उस टाइम पे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बीच में उठ के कुछ भी करोगे, वो जो बीच में आओगे वो स्पेशल ऑडिट हो गया, वो डिफरेंट, दैट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है। सो हर एक का एक ओपिनियन होता है, हर एक का एस्टैब्लिशमेंट क्राइटेरिया अलग होता है। ओपिनियन समथिंग लाइक यू नो कि उसमें ऑडिट में स्पेशल लोग बोलते हैं ये भाई यार ठीक है, अच्छा ये भी फ्रॉड हो सकता है, अच्छा यहाँ पर एंट्री की मिस्टेक है, सो लाइक समबडी इज टेलिंग यू कि लाइक हाँ ये मिस्टेक हो सकती है, ये भी एरर हो सकता है। सो ये दीज आर द ओपिनियन इज लाइक यू नो ऑडिटर मोस्टली क्या करता है, आपको ओपिनियन देगा यार आपको लास्ट ईयर बहुत प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, इस बार कम किसे हो गया, ठीक है। सो ऑडिटर व्हाट ही इज डूइंग, ही इज डूइंग, ही इज गिविंग यू द ओपिनियन कि लाइक आप इस तरह से बिजनेस करो तो आपको इस तरह फायदा हो सकता है, तो लास्ट ईयर जैसा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से ऑडिटर एक सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो दीज आर द मेन सिक्स एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑडिट, तो ये देख चीज़ देख लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो स्कोप क्या है, स्कोप के लिए मैंने ये दे दिया, कॉन्सेप्ट के लिए ये दे दिया, ठीक है। अब देखो स्कोप में लीगल रिक्वायरमेंट, भाई ये कंपलसरी है, लीगल रिक्वायरमेंट पड़ती है, हर कंपनी को करना पड़ता है, ठीक है, ऑलमोस्ट जिसका बिठाना और जो रिजर्व लिमिट होती है उनको करना ही पड़ता है, ठीक है। फिर एंटिटी एक्सपेक्ट, देखो कैसा रहता नहीं, कंपनी के लिए होता है मोस्टली, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, इंडिविजुअल के लिए कहाँ पर होता है, वो असेसमेंट होता है, ठीक है। चीज़ समझना, इंडिविजुअल के जो होता है असेसमेंट होता है, ठीक है, वो जो भी कंपनीज होती हैं उनका ऑडिट होता है, ठीक है। अब आते हैं, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल का भी ऑडिट होता है बट उनका टर्नओवर मैटर करता है कि लाइक, और वो डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी से इन्वॉल्व है, ये सब मान लीजिए पार्टनर्स है, ठीक है, पार्टनर्स है तो पार्टनर्स का भी ऑडिट होगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होगा, भाई पार्टनर्स का भी ऑडिट होगा, क्यों, क्योंकि भाई दैट पार्टनर्स आर इन्वॉल्व टू दैट पर्टिकुलर फर्म, ठीक है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक और वर्ड समझाता हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप में लेके, ठीक है, मैं आप थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है बट कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। एक सिंगल पार्टनर है तो उसको पार्टनर बोलूँगा, तीनों पार्टनर को मैं फर्म बोलूँगा, ठीक है, उस फर्म मिला के और तीनों पार्टनर को मिला के पार्टनरशिप फर्म बोलूँगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, दैट्स अ एंटिटी कॉन्सेप्ट, तीनों अलग अलग बटे हुए हैं, एंटिटी एस्पेक्ट अलग है, ठीक है। अब आता है रिलायबल इन्फॉर्मेशन, देखो ऑडिट करने पे ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, ऐसा नहीं है। स्कोप ये होता है कि आप अकाउंटेंट बोलोगे भाई मैंने इतना पैसा दिए है, इतना पैसा दिए हैं, बट हाउ विल यू बी रिलायबल लाइक आफ्टर ऑडिट, ठीक है। मान लीजिए आपको इतना पैसा रिफंड आने वाला है, या आप मान लीजिए और भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, आपको इतना सपोज मान लीजिए बोलेगा, आपको अकाउंटेंट बोलेगा भाई 1,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, ऑडिटर बोलेगा भाई 1,00,000 का प्रॉफिट नहीं है, बोलेगा 80,000 का प्रॉफिट है, तो लाइक कैसा रहता है, देर इज अ मिसमैच बिटवीन यू एंड अकाउंटेंट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग, रिलायबल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, ऑडिट रिपोर्ट में से, ठीक है, क्योंकि वो फाइनलाइज है, एंड अकाउंटेंट जब भी एंट्री पास करता है कुछ भी, काफ़ी सारी चीज़ें क्लोजिंग एंट्री बाकी हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें एडजस्टमेंट करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। अब आता है प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट एक सपोर्ट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है कि जिसके बेस पे आप पे कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन करते हैं, देखो ये इतना प्रॉफिट है, इतना टैक्स है, इतना आपको भरना पड़ेगा, इतना सेल्स है, इतना प्रोसेसेस है, इतना सेल्स रिटर्न है, इतना परचेस रिटर्न है, इतना टैक्स भरने को आया, अब इतना आपका सरचार्ज है, इतने आपके खर्चे हैं, तो इतना आपकी इनकम है, तो ये सब चीज़ें एक इवैल्यूएशन कर दी है, ठीक है। अब टेस्ट, देखो कोई भी ऑडिट शुरू करने से पहले उसका टेस्ट होता है, मान लीजिए आप एक वाउचिंग कर रहे हो, वाउचिंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लिटिल टेस्ट, बट टेस्ट कैसा हो गया, आप टेस्ट वाउचिंग करते हो, ठीक है, टेस्ट ऑडिट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंपैरिजन आप इसलिए कर रहे हो लास्ट ईयर से करंट ईयर में कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई इसमें और उसमें क्या चेंजेस, काफ़ी सारे कंपैरिजन करोगे, मान लीजिए आपको लास्ट ईयर प्रॉफिट था 10,00,000 करोड़ और अभी हो गया 1,00,000,
तो काफ़ी बड़ा कंपैरिजन है, ठीक है। एक इतना होता नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे ये फ्रॉड कंपनीज होती हैं ना, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब आते हैं जजमेंट, जजमेंट देना है ऑडिट रिपोर्ट में, जो भी ऑडिटर का जजमेंट होगा वो कहाँ कहाँ दिखे आपको, वो ऑडिट रिपोर्ट में दिखेगा कि भाई वहाँ पर वो दिखेगा, यहाँ पर इतनी क्वेरीज निकालेगा वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्कोप में चली गई, ठीक है, ये सब स्कोप है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट में देख लेना आप, ऑडिट है ये, देखा मैंने आपको कहाँ से आया ऑडिट वर्ड, ठीक है। ऑडिट वॉज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स हियर, टू हियर, सुनना, ऑडिट है, ठीक है। तो वो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है, ये भी पता है हमें, ठीक है। और क्या है पता नहीं भाई, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, भाई ये भी पता है हमें, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस बताया है, फिर प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग बताया है, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये चीज़ पता है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो मैं एक चीज़ एक और बताता हूँ, ये बुक्स में शायद थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, तो इतना आप सोचना मत कि क्या लिखना, बट आप जब दोनों को मिक्स करोगे ना, तो यू कैन राइट बिग बिग, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा लिख सकते हो, ठीक है, जब दोनों को मिक्स करोगे तो इतना सोचना मत, और इस चाहो तो इसको भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स ऑल पार्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है। फिर आता है देखो टाइप्स ऑफ ओनरशिप, हम दी जाएगा ओनरशिप वाइज, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टैचुरी, पीरियडिसिटी वाइज, कंटिन्यूस, एनुअल, इंटरियम, ओकेशनल, कंकरेंट। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव, फिनेंशियल, ऑपरेशनल, कैश, टैक्स, सोशल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑडिट है, नाम तो देख लिया बट हमें जानना है डिटेल में, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं, हम तो हर एक को निचोड़ने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, अभी भी मैं अभी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी ऑलमोस्ट अभी हर एग्जाम के रिलेटेड मैं अपडेट लेने वाला हूँ, ऑलमोस्ट वी कैन स्टार्ट इट, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू रियली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, देखो मैंने आपको ये टाइप्स बताया, देखो टाइप्स में एक एक करके हम लोग लेंगे, एक एक करके, ठीक है। पहला आता है भाई पैटर्न और ओनरशिप टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसमें सबसे पहला आता है भाई प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट का सबसे, देखो मैंने इसमें एग्जांपल दिया, आप दो मिनट प्रेड करो, प्रेड किया आपने, क्या समझा, ठीक है। दो कैसे रहता ना, इट इज़ अ ऑडिट ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। देखो प्राइवेट ऑडिट का मतलब ही ये है कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं का प्राइवेट लाइक उन्हीं का ऑडिट होगा, ठीक है। सबसे पहला फीचर्स मेन हो गया, फिर देर इज ए नो मैंडेटरी टू डू ऑडिट। देखो अब आते हैं प्राइवेट ऑडिट, ये भी होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं आती है, उसमें इंडिविजुअल भी आते हैं, और इंडिविजुअल और कंपनीज वो आती है जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। अभी जो थ्रेशोल्ड लिमिट चल रही है 2 करोड़ की, अगर उनका टर्न ओवर 2 करोड़ के नीचे है तो देर इज नो मैंडेटरी टू डू ऑडिट, ठीक है। पर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। अगर वो कंपोजिशन स्कीम में आता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो इनकम टैक्स का अलग पार्ट है, ठीक है, 44AD सेक्शन का अलग पार्ट है, बट हमें जाना है मेन प्राइवेट ऑडिट क्या होता है, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड एनजीओ ऑडिट शुड बी डन। देखो ये क्या बोलना चाहता है भाई, भले से कुछ भी हो बट अगर एनजीओ और पार्टनरशिप है तो वहाँ पर ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम वहीं पर होते हैं। प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं कि मोस्टली जो बोलते हैं ना, काफ़ी सारे एरर्स निकलते हैं, काफ़ी सारे रेक्टिफिकेशन होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब उन्हीं केसेस में होते हैं। एनजीओस वगैरह में काफ़ी होते हैं, फंड्स आता है और कहीं और यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एनजीओस, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट ऑडिट, अभी इसको आपको नाम से ही पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑडिट होता क्या है, ठीक है। इट इज़ एन ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सबसे पहली बात, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये तो भाई पता है, अपॉइंटेड ऑडिटर कौन करेगा भाई, गवर्नमेंट ऑडिटर करेगा। अब हाँ, इसमें एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है, उसमें ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट करने वाला एक ही बंदा होता है, दैट इज़ केज। केज का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो ऑडिटर को अपॉइंट करती है कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में। चलो मान लिया ये लोग अपॉइंट तो करते हो, बस उसके बाद क्या करते हैं लोग, ऑडिटर उसका ऑडिट बनाएगा एंड दैट ऑडिट रिपोर्ट विल सबमिट टू हिम ऑल्सो। और केज को भी एक रिपोर्ट जाएगी और केज वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज का प्रोसेस चलता है, इस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिट होते हैं, ठीक है। अब हर एक का जनरल ऑडिटर हर एक स्टेट का अलग होता है,
कैज हैज टू सबमिट, देखो मैंने ये लाइन भी लिखी हुई है ठीक है, ऑडिट इज अपॉन केज अब एडवाइस ठीक है, ये सब चीज़ें थी गवर्नमेंट ऑडिट में। अब आते हैं स्टैचुरी ऑडिट। स्टैचुरी ऑडिट का मीनिंग ये होता है इट्स अ मैंडेटरी, क्या है भाई इट्स अ मैंडेटरी। मैंडेटरी ये है कि कोई भी जो भी, देखो मान लीजिए आपको अगर आपकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है, सपोज मान लीजिए TCS क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है उसकी, होती है क्योंकि बिकॉज इट कम्स अंडर द कंपनीज एक्ट, इट कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बुक्स में आपको 1956 लिखा रहेगा, कभी लिखना मत गलती से भी 1956 ठीक है, बुक्स में आप चेंज कर देना द कंपनीज एक्ट 2013। अभी जो रिसेंट चल रहा है वो है 2013 ठीक है, तो आप गलती से भी उसमें घुसना मत, 1956 लिखना मत ठीक है। अब आ जाएंगे कि लाइक उसके क्या है भाई, जो भी उसके जो ऑडिटर रहेंगे तो क्या बोलेंगे, स्टैचुरी ऑडिट बोलेंगे, स्टैचुरी ऑडिटर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक्ट दैट फोर्स टू कंप्लायंस अंडर स्टैचुरी, देखिए उसके लिए कंपनीज एक्ट वहाँ पे लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1961 लगता है, तो मतलब ये सब स्टैचुरी ऑडिट में आते हैं, ये सब एक्ट कवर होते हैं, ये समझ में आ गया। स्टैचुरी ऑडिट में हम लोग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के हिसाब से कर रहे हैं, कॉपरेटिव बैंक के हिसाब से सोच रहे हैं ठीक है, जहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया था कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर लगेगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीरियडिसिटी टाइप्स ऑफ ऑडिट। देखो ये अब आ गए दूसरे टाइप्स, दूसरे मतलब कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब क्या, चलते रहने वाला, रेगुलर बराबर, तो इट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, मतलब एक ही बोलना चाहता है कि भाई कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होगी ठीक है। अब एग्जामिन कंटिन्यू मतलब कैसे, क्या डेली घर पे आएगा, डेली कंपनीज में आएगा, ऐसा नहीं होता है, वो होता है 1 month, 3 month, क्वार्टरली, लाइक इट कैन बी हाफ ईयरली, तो इस तरह से कंटिन्यूस ऑडिट होते हैं ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसको उनको क्या बोलेंगे, इसको डिटेल ऑडिट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडिट जो होते हैं वो एनुअली होते हैं ठीक है, नॉर्मल जो ऑडिट होते हैं वो एनुअली होते हैं, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे हैं, मतलब इसमें ये लोग 3-4 बार आ रहे हैं ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटेल ऑडिट हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ठीक है। और यहाँ पर ये सुटेबल किसके लिए होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनके लिए होता है, छोटी कंपनीज में बार बार जाके मतलब क्या, क्योंकि उनका टर्नओवर इतना नहीं है तो बार बार जाके मतलब नहीं, तो बड़ी कंपनीज के लिए जाना पड़ता है ठीक है। फिर बैंक हैव टू प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फिर बिकम्स नेसेसरी इन वेरी लार्ज ट्रांजैक्शन, इट इज ऑल्सो नीड वेयर इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक सिस्टम आर इनइफिशियंट ठीक है। ये समझ में आ गया कंटिन्यूस ऑडिट, उसके एडवांटेजेस देख लेना आप, मैंने लिखे हुए हैं स्पेशली ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस देख लेना कि काफ़ी छोट में किए हुए हैं, अगर आप कुछ इसमें डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो ठीक है, तो ये देख लेना आप। अब आते हैं एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट वो होता है भाई जो साल में एक बार होता है, एनुअल ऑडिट क्या होता है भाई, साल में एक बार होता है, इट इज कंडक्टेड आफ्टर द एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा पॉइंट, कब कंडक्ट होता है, एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑडिट भी बोलते हैं, इसको फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं, या क्या एनुअल ऑडिट का नाम क्या है, और फाइनल ऑडिट कंप्लीट ऑडिट ठीक है। अब इसके कंप्लीट इस इन कंटिन्यूस सेशन में होता है ठीक है, कंप्लीट कब होता है, इन वन सेशन में हो जाता है ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लो आप, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी चेक, फिर इट कैन हेल्प प्लेस इमीडिएटली बिफोर द फाइनेंशियल ईयर, इट में एडवांटेजेस कुछ ना कुछ खास नहीं है, तो ऑलमोस्ट एक साल में एक ही बार होता तो इतना कुछ खास नहीं, बट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रियल लाइफ पर्पज के लिए है, बट बुक्स के हिसाब से इतना खास नहीं है। तो इसके डिसएडवांटेज देख लो, सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ ऑडिट में देखो क्या रहता है ना, आई थिंक वी आर गोइंग परफेक्ट ना, नहीं सॉरी पीरियडिसिटी टाइप ही आएगा, फिर इसमें आता है ऑपरेशन ऑडिट। ऑपरेशन ऑडिट में क्या रहता है भाई, इट इज अ काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ अकाउंट। ऑपरेशन ऑडिट में क्या करते हो कि मान लीजिए आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई, वहाँ पे जाओगे फैक्ट्री में, देखोगे मशीन बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो कई वर्कर बराबर काम कर रहे कि नहीं, लेबर फोर्स बराबर प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल बराबर माल बराबर जा रहा है, लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आप क्या कर रहे हो, सुपरवाइजर क्या करता है,
क्या करता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एक ही इज डूइंग नथिंग बट अ ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है। उसके अपर लेवल जो हाई लेवल के जो होते हैं वो ऑपरेशनल ऑडिट करता है, बट सुपरवाइजर से एक वॉच बॉडी जैसा काम करता है, बट उसके अपर लेवल के जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, तो दे यूजली डू द ऑपरेशनल ऑडिट। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में आपको सिंपल सा है कि मतलब इट इज एन ऑडिट टू रिव्यू एग्जामिन एंड अप्रेज द वेरियस पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है भाई। मैनेज कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई, कंपनी ने जो रूल बनाया है, कंपनी ने जिस तरह से काम कर रही है, कंपनी के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन सबका एग्जामिन करना, उनके सबका रिव्यू देखना, उनको सबको प्रेज करना, इट्स अ ऑडिट, इट्स अ मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। अब आते हैं, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ये दोनों केस में देखना, ऑपरेशन और मैनेजमेंट एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि इन सबके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से इन लोगों को काम करना है, ठीक है। अब आते हैं टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट इज नथिंग बट इनकम टैक्स ऑडिट। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो कंपनी के भी बड़े बड़े कंपनी रिटर्न फाइल होते हैं, तो जब भी वो टैक्स ऑडिट करते हैं तो टैक्स ऑडिट इज नथिंग बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ अ कंपनी इज अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल के भी ऑडिट होते हैं बट वो इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, और कंपनीज के जो रिटर्न फाइल होते हैं इट्स नथिंग बट टैक्स ऑडिट। ये समझ में आ गया, ठीक है। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट आप क्या करोगे भाई, आप इंस्पेक्शन करोगे भाई एनवायरमेंट कैसे काम कर रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, लोग बराबर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये क्या है सोशल ऑडिट, ठीक है। अब आता है एनवायरमेंट ऑडिट। भाई एनवायरमेंट में दिल्ली में सबसे बड़ा पॉल्यूशन रहता है, तो उसका भाई एनवायरमेंट चेक करते हैं लोग हमेशा, कौन कौन सी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है, कौन कौन से नंबर के लोग, कौन से टू व्हीलर से ज़्यादा पोल्यूशन होता है या फोर व्हीलर से, कौन सी गाड़ियाँ मतलब BLS 4, BLS 3, BLS 5, कौन सी गाड़ी पोल्यूशन ज़्यादा करती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, मतलब इस हिसाब से एनवायरमेंट कंट्रोल होता है। तो इस तरह से एनवायरमेंट चेक किया जाता है एंड किस कौन कौन से रीज़न है, लाइक पोल्यूशन, डस्ट, सैंड, कचरा वगैरह सब मिला के किस चीज़ से ज़्यादा एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, तो उस सबका ऑडिट, उन सबका इंस्पेक्शन करने को, स्क्रूटनाइज करने को एनवायरमेंट ऑडिट बोलेंगे। तो आप सब उसको एक और नाम बोलते हैं जिसको ग्रीन ऑडिट कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक ही पर्पस, एक ही ऑब्जेक्टिव वही होता है कि लाइक एनवायरमेंट हैज़ टू बी क्लीन। भाई ऑडिट किस लिए कर रहे हैं, इसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, क्लीन एंड क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भाई प्रॉपर्टी ऑडिट। प्रॉपर्टी क्या है भाई, प्रॉपर्टी क्या है, अभी आप अकाउंटिंग प्रॉपर्टी, अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से जो भी ऑडिट करोगे प्रॉपर्टी के रिलेटेड, भाई ये प्रॉपर्टी कब बनी, किसने बनाई, ठीक है, और कौन ऑनर है, तुम्हारा नाम पे है या नहीं, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब प्रॉपर्टी ऑडिट हो गई, ठीक है। अब परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है भाई, परफॉर्मेंस कंपनी का परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, लॉस किधर हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, इतने सारे मैनेजमेंट कहाँ से आ गए भाई, ये लोग इतने सारे वर्कर क्यों बढ़ गए, इतने मैनेज, इतना पैसे क्यों कम हो गए, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, इट्स दीज आर द पार्ट, दीज आर द कॉन्सेप्ट, दीज आर द टर्म्स। ये जितने भी टर्म्स मैंने आपको बोले हैं ये सब आते हैं परफॉर्मेंस में, ये सब परफॉर्मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, Q&A जिसको बोलते हैं हम, ये सब उसके Q&A बनेंगे, ठीक है। सेक्रेटरीली ऑडिट, देखो सेक्रेटरीली काफ़ी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसमें यह है कि लाइक ये जो भी होते हैं, ठीक है, अब आते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी में, सॉरी, सेक्रेटरी ऑडिट वो होता है, ठीक है, जब भी कोई कंपनी का सेक्रेटरी होता है, ठीक है, वो जिस तरह से काम कर रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन और जो जो उसने काम किया है उसका ऑडिट, मतलब कंपनी का जो सेक्रेटरी है, जो बंदे को अपॉइंट किया है हमने, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, वो जो काम कर रहा है उसका ऑडिट। भाई उसने कुछ डिफॉल्ट तो नहीं किया, कोई रूल में झूल तो नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करी, तो उसका मोस्टली जब भी सपोज कोई लिस्टेड कंपनी होती है तो उनका ऑडिट CA भी करते हैं, बिग फोर जो हम फर्म्स होती हैं, एंड जो SEBI करता है वो लिस्टेड कंपनी इसके चेक करते हैं भाई कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से कोई रूल्स तो डिसऑल फॉलो नहीं हुए, डिसफॉलो तो नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कौन सा नोटिफिकेशन बाकी तो नहीं है, कोई डिसअलाउ तो नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वर्किंग कंडीशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर किया जाता है, ठीक है। CA's वर्क अंडर द कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। भाई वो कंप्लायंस CA's कंपनी सेक्रेटरी जो है किसके बेस पे कंप्लाइन करेगा, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इट इज इंश्योर ऑल द प्रोविजन एंड द लॉ अप्लाई एज पर नीड, भाई बराबर है। एवरी लिस्टेड कंपनी हैज टू अपॉइंट अ CA's एक्ट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, हर लिस्टेड कंपनी को CA's कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना ही है, एंड दैट कंपनी सेक्रेटरी फुल टाइम होना चाहिए, क्यों, अगर उसका टर्न ओवर, उस कंपनी का टर्न ओवर 10 लाख से ऊपर है, 2 करोड़ से नीचे है, ठीक है, तो ही नीड अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। बट बड़ी बड़ी कंपनी में पार्ट टाइम रखा जा सकता है, बट आप खुद सोचिए अगर बड़ी कंपनी में पार्ट टाइम रखेंगे तो,
और एक्चुअल में एक ही रखते नहीं, वो लोग तो दो तीन रख लेते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कैसा रहता है ना, एक बंदा हमेशा हर चीज़ में अपडेट नहीं हो सकता, तो इसलिए एक दो लोगों को रखा जाता है ताकि एक बंदा अगर मिस भी कर जाए तो दूसरा कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है। एक बंदा कभी बीमार पड़ गया तो दूसरा तो काम करेगा ना, तो इसलिए वो बड़ी बड़ी कंपनी में दो तीन होते ही हैं, ठीक है, वो तो मिनिमम है। बट ये छोटी मोटी कंपनी के लिए जिसका 2 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो एटलीस्ट वहाँ पर एक फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ कंपलसरी और कंपलसरी ऑडिट होता है, ठीक है। अब आते हैं स्कोप ऑडिट। स्कोप ऑडिट में होल्ड ऑन, सो गाइस अभी स्कोप ऑफ ऑडिट देखना है, ठीक है। अब स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या रहता है, देयर कैन बी कंप्लीट एंड पार्शियल ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोप। देखो कंप्लीट एंड पार्शियल वो होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मतलब स्टैट्यूटरी और पार्शियल ऑडिट, ठीक है। अब समझिए कंप्लीट मतलब क्या, जो मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो कंप्लीट हो गया, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम कंप्लीट ऑडिट बोलते हैं। हमने ऑलरेडी पीछे के अभी इसमें पढ़े हैं, पीछे के पेजेस में हमने अभी पढ़ा है जस्ट रिसेंटली, ठीक है। अब आते हैं पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट में हम लोग को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, पार्शियल ऑडिट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ प्राइवेट ऑडिट, ठीक है। प्राइवेट ऑडिट इसलिए मैं बोलता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर पार्शियल ऑडिट आ गया, बट इट देयर शुड बी अ प्राइवेट ऑडिट होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट चेक होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑडिट, जैसे टैक्स ऑडिट हो गया, गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, तो इसके हिसाब से प्राइवेट ऑडिट सबसे पार्शियल ऑडिट कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं एम्प्लॉयर ऑफ ऑडिट पे, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑफ ऑडिट पे क्या है भाई, दिस ऑडिट आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑडिट क्या बोला भाई, अब कोई और भी चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिट क्या भाई, कंपनी के अंदर करने वाला बंदा, इंटरनल ऑडिट जो कंपनी के अंदर के ऑडिट होंगे, दैट्स इंटरनल ऑडिट, जो बाहर हो गए वो एक्सटर्नल ऑडिट। ये तो बहुत सिंपल टर्म होंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मान लीजिए जो भी इंटरनल ऑडिट करने वाला बंदे का नाम क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑडिटर, बाहर वाले को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर। और क्या डिफरेंस है भाई इसमें, ठीक है। और ये डिफरेंस है, अब जो भी बंदा इंटरनली कर रहा है वो क्या कर रहा है, ही विल चेक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोन, बट जो बाहर वाला जो बंदा काम कर रहा है वो क्या करेगा, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। और क्या है इसमें, और क्या डिफरेंस है, देखो इंटरनल ऑडिटर कंपलसरी है, एक्सटर्नल ऑडिटर इज देयर इज ऑप्शनल, लिस्टेड कंपनी के लिए वो कंपलसरी है, बट बाकी सबके लिए ऑप्शनल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, बस और बढ़ते हैं। अभी ये देखो मैंने डिफरेंस दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे दिए, तो आप इसको एक बार देख लेना, इसके थ्रू गो थ्रू हो जाना है। मैंने बहुत ज़्यादा दे दिए, कितने दे दिए, 3, 4, 5, 6 थोड़े ज़्यादा ही है, ठीक है, कर लेना। ये मैंने कहाँ से लिया हुआ है, अब देख लो, मैंने इसमें सोर्स मैंने लिखा हुआ है द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ अल्बेनिया लेक्चर्स ऑफ द केस इंटरनल ऑडिट, ठीक है, वहाँ से मैंने ये लिया हुआ है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि जितना डिटेल में हम ले सकते हैं, जितना जितना खींच सकते हैं इस लेक्चर में, उतना हम लोग लेंगे इसमें, ठीक है। अब आते हैं मैनर ऑफ चेकिंग। देखो कैसा रहता है ना, हर ऑडिट, जो भी कोई ऑडिट होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोल दिया और ऑडिट हो गया, आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। कोई भी ऑडिटर, आप मान लीजिए आप जीडीसीए करोगे, जीडीसीए बन गए, जीडीसीए बनने के बाद आप ऑडिट करोगे तो आपको कैसा लगेगा, आप बोलेगा भाई कंपनी के बुक्स लेके मैं ऑडिट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रोसेस, यू नीड टू बी गेट अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार, आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद सोसाइटी विल अप्रूव इट, एंड व्हेन द सोसाइटी विल अप्रूव इट टू यू, देन आफ्टर that copy of approval will go to the registrar and registrar will send you a letter like this society has appointed you as an auditor of that society, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस पूरा काम करता है, तो इट्स नथिंग बट अ स्टैंडर्डाइज ऑडिट, ठीक है। तो इस तरह ने प्रोसीजर, सॉरी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ तक मैनर ऑफ चेकिंग क्या है भाई, स्टैंडर्ड है, जो भी कोई भी ऑडिटर काम करता है तो ऐसा नहीं, एक प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, ठीक है, तो प्रोसेस के थ्रू उसको जाना है, तो इट्स ए स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आता है बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट वो होता है जिसकी सबसे, देखो मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ उसका, ठीक है। बैलेंस शीट ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑडिटर जो आता है, ठीक है, तो वो पहले वो आपकी कंपनी के ऑडिट लेने से पहले वो दोनों कंपनी के बैलेंस शीट, एक ही कंपनी के 2 साल के बैलेंस शीट देखेगा। क्यों देखेगा भाई, कि उसको क्या मतलब है, वो देख इसलिए रहा है कि लाइक व्हाट इज द मेन बिगेस्ट डिफरेंट फॉर हिम, लाइक कहाँ पर जो फ्लक्चुएशन होती है, जो पुराने ईयर से में, देखो कैसा रहता है ना, जो बड़ा बड़ा पैसा जो छुपा हुआ रहता है ना, वो बैलेंस शीट में रहता है, फाइनेंस
पीएनएल अकाउंट तो एक साल का होता है, पर बैलेंस शीट पूरे सालों साल की होती है, पुराने पुराने सालों की। तो उसमें इतना अगर लाख करोड़ रुपए का भी फ्लक्चुएशन होता है तो क्यों हो रहा है? तो इसलिए कोई भी ऑडिटर होता है वो बैलेंस शीट ऑडिट करता ही है, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट एंड वाउच ऑडिट। देखो वाउच मतलब क्या है, एक भी जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, तो वाउच ऑडिट हो गया, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट ऑडिट में, मतलब और क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है। देखो अब ये सेवन पॉइंट बात है, ऑडिट ऑफ अ कॉपरेटिव सोसाइटी। ये पॉइंट और ये जो ये है, देखो मैं आपको ये राज की बात बता रहा हूँ। राज की बात ये है, हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट एक दो छोड़ के ये चैप्टर है, हर चैप्टर है, ठीक है। ऑडिट ऑफ अ कॉपरेटिव सोसाइटी बना लॉ में भी है, CHM में भी है, बैंकिंग में भी है, ठीक है, बैंकिंग में भी है, और मैं भी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑडिट में भी है, ठीक है। सो सीन ये हो रहा है, अब ऑडिट ऑफ अ कॉपरेटिव सोसाइटी ये चैप्टर आपको 1% नहीं छोड़ना है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर लिए हुए हैं, ठीक है। सो इसको जितना हो सके बार बार देखना आप उसको, ठीक है। तो ये आप हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें, बट एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। अब साइलेंट फीचर ऑफ अ कॉपरेटिव ऑडिट, देखो ये क्या क्या भाई फीचर क्या बोल रहे हैं लोग। ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द 1st जुलाई। हाँ अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप सोच रहे हो कि भाई फाइनेंशियल ईयर मेरे लिए क्या होगा, बट इनके लिए फाइनेंशियल ईयर समथिंग डिफरेंट। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट विद द 1st जुलाई एंड एंड विद द 30 जून। क्यों भाई ऐसा? भाई तो सोसाइटी का रूल है, कॉपरेट सोसाइटी में लिखा हुआ है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फॉलो ये कर रहेंगे। 1st जुलाई को शुरू होगा, मतलब 1 साल को शुरू होगा और 30 जून को खत्म, ठीक है। तो इस तरह से इनका फाइनेंशियल काम करता है। फिर ऑडिटर कैन बी CA, JDCA और रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। फिर ऑडिटर विल अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फीस विल बी पेड बाय द सोसाइटी, बताया भाई तो इतना लॉजिकल है, ठीक है। देर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो भी बताया भाई। एक जैसे इनकम टैक्स का फॉर्म होता है, वैसे ऑडिटर का एक स्पेशल फॉर्म होता है, ठीक है। ओवरड्यू पीरियड यहाँ पे जो हम लोग जिसको NPA बोलते हैं, जैसे बैंक के लिए 3 मंथ ओवरड्यू पीरियड होता है, जैसे NPA जिसको बोलता है, कंपनीज के लिए होता है ऑलमोस्ट 90 डेज का होता है, 120 डेज का होता है, डिपेंड अपॉन द कंपनीज नेचर्स, 120 ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है भाई कॉपरेटिव ऑडिट के लिए जो ओवरड्यूज होते हैं वो आते हैं 6 मंथ से लेके 5 साल। अगर 5 साल के ऊपर है तो ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कि भाई इस मेंबर का 5 साल से पैसा बकाया, ठीक है। अब आता है बैड डेट्स रिकवर टू बी सर्टिफाइड, भाई जो भी कोई बैड डेट्स है, मान लीजिए ये पैसा डूब गया, ये पैसा आया नहीं, तो वो ऑडिटर हैज टू बी सर्टिफाइड दैट कि बंदा पैसा दिया नहीं और ये चला गया है, ये भाग के सोसाइटी फ्लैट छोड़ के, कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन, अन सोसाइटी को उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू शुड बी शोन सेपरेट एज एन आउटस्टैंडिंग, भाई मान लीजिए ओवरड्यू जो भी था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ रहेगा। मेंटेनेंस उसने नहीं भरा उस पर हम लोग सोसाइटी इंटरेस्ट लगा दी है, और अगर उसने वो इंटरेस्ट नहीं भरा है तो वो भी एक अलग से दिखाया जाएगा, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट गया, बट बोले ना एक कनेक्टिंग लिंक बनानी है जो हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लिस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशन, देखो एक हर एक ऑडिटर को, आप जब भी GDC बनोगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो मैंने काफ़ी सारे लेक्चर भी लिए हैं जिसमें ये सब मेंशन, जो जो जहाँ पे लगता है कि ऑडिटर मस्ट नो, ये सब चीज़ें आपको GDC बनने के बाद पता चलेगी। आपको कोई भी लेक्चर में ये कोई नहीं बताएगा कि एज बींग GDC आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर्स में ये भी बता रहा हूँ कि जो जो रूल्स होते हैं एज ऑडिटर मस्ट नो, ठीक है। सबसे पहला सा, एक आप कोई भी सोसाइटी का ऑडिट करोगे तो क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, भाई किसी भी मेंबर का, कोई भी सोसाइटी में आप ऑडिट करोगे तो किसी भी मेंबर का 20% से शेयर होल्डिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी मेंबर का 20% शेयर होल्डिंग ज़्यादा है तो ही विल नॉट बी अलाउड टू बी एज अ मेंबर, बिकॉज ही विल हैव टू डू द सेपरेट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। उसको वो चीज़ें सेपरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, सबसे पहले सेपरेट करने से अलावा उसको ऑलरेडी वो चीज़ अलाव हो गई नहीं तो वहाँ पे ऑडिटर का डिफॉल्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, देखो लोन ये बोलता है कि भाई कोई भी कॉपरेटिव सोसाइटी ने जब भी MOA या AO फाइल किया रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि भाई हम लोग मेंबर को लोन देंगे इतने तक, मेंबर लोन कह सकते 10%, 1%, 2%, मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 10% की होती है, ठीक है।
एज पर बायलॉज जो लोग बोलते हैं 10% मैक्सिमम लिमिट है, बट मिनिमम इट कैन बी एनीथिंग एज पर ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उस तरह से ये लोन पे है, सेम बोरोइंग पे भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ फंड। देखो ये लोग क्या बोलते हैं भाई, सोसाइटी का जो एक्ट है, ठीक है, वो तो प्रोविजन देता है, वो रेगुलेशन भी देता है, बट वो क्या बोल रहा है भाई, सोसाइटी का एक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सोसाइटी फंड के लिए वो है दूसरा एक्ट जो है इंडिया ट्रस्ट एक्ट, उस पर अप्लाई हो जाएगा। इंडिया ट्रस्ट एक्ट के प्रोविजंस एंड रूल वहाँ पर अप्लाई कर रहेंगे, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ द सोसाइटी फंड, ठीक है। अब आते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। देखो अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में ये रहता है भाई, कोई भी सोसाइटी है 25% ऑफ द रिजर्व 25% ऑफ प्रॉफिट दे कैन ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। एक चीज मांगो, अप्रोप्रिएशन क्या कर रहे हो लोग, मान लीजिए सोसाइटी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ भाई, क्या करेंगे उसमें 25,000 वो लोग रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे भाई, मान लीजिए सब लोग को अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 10% हर एक मेंबर को डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं भाई सोसाइटी में डिविडेंड बांटेंगे, ठीक है, तो बहुत रेयर केस है, तो लोग क्या करते हैं मोस्टली रिजर्व फंड में ऑलमोस्ट डाल देते हैं, बाकी के यूटिलाइज कोई भी फंक्शंस होते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। अब कोई भी सोसाइटी में चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा जमा करोगे तो इट शुड नॉट बी 10% ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट। रेसिडुअल प्रॉफिट वो होता है, मान लीजिए आपने 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अब आप सोचते हैं कि भाई उसमें से 10% उसके बाद जो 75% बचा है उसमें से मैं 10% डोनेशन में दे देता हूँ, ठीक है। तो अब 75% का आप 10% दे सकते हो, 100% का आप 10% नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको जो 10% देना है वो किसका देना है, रेसिडुअल प्रॉफिट का। रेसिडुअल प्रॉफिट वो होते हैं जो भी रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा बचा वो रेसिडुअल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब बात है रिजर्व ऑफ सॉरी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड, वो एज पर प्रोविजन जो भी AOA और MOA में फाइल किया रहेगा, और जो एज पर कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1961 जो बोलता है उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। अब बात है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, अब वो भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं ऑडिट एंड स्पेशल केसेस। देखो कैसा है ना, ये सब स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस इसलिए हैं कि इनका ऑडिट करना ना इट्स नॉट ईजी, ठीक है। ये सब ये इमरजेंसी केस समझ लो आप, ठीक है, इमरजेंसी केसेस हैं, ठीक है। अब री ऑडिट क्यों करोगे भाई, आप खुद सोचो, मान लीजिए आपने ऑलरेडी ऑडिट कर लिया, री ऑडिट क्यों करोगे आप, री ऑडिट इसलिए करोगे भाई, मान लीजिए सोसाइटी बोलती है भाई कुछ तो लफड़ा हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, बड़ा पैसे का फंड का कुछ प्रॉब्लम झोल हुआ है, ठीक है, अब बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो वहां पर सोसाइटी इज रिक्वेस्टिंग यू टू डू द री ऑडिट, ठीक है, ठीक है भाई करते हैं हम तो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ऑडिटर फील्स। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑडिटर फील्स। ऑडिटर को लगता है कि यार मुझसे कुछ मिस हो गया है, या कुछ मुझे लगता है या लास्ट वाले CA ने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, द ऑडिटर इज फीलिंग लाइक दैट कि लाइक समथिंग इज मिसिंग और समथिंग मे बी एरर, मे बी समथिंग इज अ फ्रॉड बिहाइंड मी, और मे बी माय पास्ट CA, माय पास्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट GDCA, और मे बी अ रिटायर्ड पर्सन हैज डन द ऑडिट इज समथिंग नॉट सफिशिएंट विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो वहाँ पर चीज़ें क्या होगी कि लाइक हाँ ओके मुझे वापस ऑडिट करना पड़ेगा, तो वॉट इज देखो कंक्लूजन एक ही घूम फिर क्या आता है कि भाई री ऑडिट करना पड़ेगा, वापस ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो केसेस है जहाँ पर री ऑडिट होता है, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑडिट, भाई कॉस्ट ऑडिट क्यों कर रहे हैं, वापस क्यों कर रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट में ये प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए आप सपोज जब भी कंपनी का वैल्यूएशन करते हो, जब भी किसी कॉस्ट का प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करोगे, मान लीजिए आप जो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट लगी आपको 10 रुपये, ठीक है। आप बोलते हो यार चलो ठीक है मैं 10 रुपये रखते हैं, ठीक है, जब भी आपने माल बनाया आप सोचते 12 में बेचूंगा, बट जब भी देखा यार ये तो इस पे तो मुझे टैक्स भी लग रहा था, मैंने कॉस्ट एनालाइज करते वक्त वाइल सेलिंग एट द 12 रुपीज आई डिडंट रियलाइज कि माय प्रोडक्शन कॉस्ट इज 10 रुपीज एंड टैक्स पकड़ के वो मुझे 13 में मिल रहा है, तो मैं 12 में क्यों बेच रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर मेरा क्या होगा, मैं कॉस्ट ऑडिट करूँगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, ये एक केस नहीं, ऐसे हम कम से कम बहुत सारे केसेस, मतलब हम 25-30-40 केसेस देंगे जहाँ पर कॉस्ट ऑडिट की नीड होती है। मैं आपको एक केस दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कॉस्ट ऑडिट की नीड क्यों हो रही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आप कॉस्ट को एनालाइज करोगे, भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, मैंने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, तो अच्छा ये भी ऐड होना चाहिए, तो ये ऐड करने के बाद इसका अच्छा ये कॉस्ट आएगा, ओके, तो फिर वहाँ पर आप री करोगे, रिकंसिलेशन करने के बाद आपका न्यू प्राइस डिसाइड करोगे, फिर वापस आप रीसेलिंग चालू करोगे, इस तरह से कॉस्ट ऑडिट का बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब आता है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट मोस्टली इन बिटवीन आता है, कभी भी उठ के आ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी उठ के आने वाले लोगों को स्पेशल ऑडिट बोलते हैं, और स्पेशल ऑडिट मोस्टली गवर्नमेंट ही कंडक्ट करती है, गवर्नमेंट को फील होता है कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो स्पेशली वो लोग उनके जनरल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और आते हैं भाई
ठीक है, हमको इंस्पेक्शन करनी है, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करनी है, तो यू विल हैव टू अरेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अस। ठीक है, अब आते हैं स्टैचुरी ऑडिट पे। स्टैचुरी ऑडिट वो होती है भाई, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम करते हैं, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, जिस जो जो आई सपोज बैंकिंग बैंक बड़े बड़े बैंक्स के लिए बैंकिंग लगेगा कंपलसरी, बट हर कंपनीज सोसाइटीज बैंक एक एक्ट कंपलसरी रखने वाला, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपलसरी से पहले लगने वाला है। ठीक है, तो स्टैचुरी ऑडिट इज नीडेड। ठीक है, अब आते हैं फ्लाइंग स्क्वाड। फ्लाइंग स्क्वाड टर्म मैंने आपको सिर्फ एक टर्म आपको नॉलेज के लिए आपको लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक में था और मे बी आपको इन फ्यूचर डाउट आए तो मैंने इसका मीनिंग लिख लिया है। मीनिंग ये है कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैपेबल ऑफ रीचिंग एन इंसिडेंट्स क्विकली। तो कैसा रहता है ना, आपको कोई भी, आप मान लीजिए कुछ सोसाइटी में आपको प्रॉब्लम लगी, ठीक है, तो वॉट चेयरमैन डज के लिए ही विल डायरेक्टली टेक एक्शन। जस्ट एग्जाम्पल आपको वैसे देता हूँ, जैसे मोदी सर को लगा, मोदी प्रेसिडेंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड प्राइम पीएम सर जो है पीएम सर जो है, उन्होंने क्या इमीडिएट एक्शन लिया, व्हाट ही फील लाइक अ फ्लाइंग स्क्वाड कि इमीडिएट एक्शन लिया उन्होंने। किस लिए लिया भाई, कि कंट्री को 25 डेज के लिए लॉकडाउन कर दिया, 21 डेज के लिए लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, सो ये चीज़ें क्या है, इट्स नथिंग बट अ फ्लाइंग स्क्वाड, जो उन्होंने इमीडिएट सब कंडीशन देखी भाई खराब होती जा रही है, तो ऑन दैट बेसिस ही टुक अ ग्रेट एक्शन। ठीक है, जो इमीडिएट एक्शन लिया, तो इट्स अ टर्म एज रिलायबल फ्लाइंग स्क्वाड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई होप यू आर एंजॉइंग। ठीक है, सो विल जस्ट एंडिंग अप, फीचर ऑफ अ टेस्ट ऑडिट देख लेना आप, थोड़ा सा कुछ इतना खास नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट तो कवर कर लिया मैंने, जितना मेन था उसमें मैंने काफ़ी आपको बता दिया है उसमें तो। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा देख लेना, कुछ इतना खास नहीं, बट हाँ थोड़ा सा जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दी है, अगर इसमें कुछ डाउट होता है, देखो पर्पज़ क्या है, देखो टू फाइंड आउट डिटेक्ट्स टेस्ट ऑडिट है यार, टेस्ट ऑडिट किस लिए कर रहे हो आप, एक बोलते ना एक सैम्पल जो रैंडम टेस्ट करते हो, ये मैं प्रोडक्ट लॉन्च करके देखता हूँ काम करेगा या नहीं करेगा, तो इस तरह से टेस्ट ऑडिट होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाना कुछ भी, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो आई होप यू हैव एन्जॉय दिस लेक्चर, एंड मैं अभी भी उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन लेक्चर बाय नहीं किया, दे कैन बाय एंड एन्जॉय अवर लाइव सेशंस एंड मे बी समटाइम रिकॉर्डेड, लाइक दिस आर द यू नो द फ्रेश, एवरी ईयर वी डू अ न्यू रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि सब लोग घर में रहें, ठीक है, जितना हो सके इस लेक्चर का बेनिफिट उठा लें। ठीक है, और जिसे ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन करना है तो जे कैन ज्वाइन विद अस, विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, और क्योंकि लास्ट ईयर ही जो रिजल्ट आया था, लास्ट ईयर अभी जो रिजल्ट आया था सुप्रिया पाटिल, दैट वॉज अ थर्ड रैंक इन जीडीसी एग्जाम फ्रॉम अवर क्लासेस, सो वी आर रियली वी फील अप्रिशिएट टू अस कि लाइक हमारे क्लास से कोई ऐसा थर्ड रैंक निकलता है एंड दैट बिकम्स अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो हमारे लिए वो काफ़ी प्रीशियस बात होती है। ठीक है, सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर डे, ये टाइम है लॉकडाउन का, एन्जॉय कर लो, पढ़ना भी है काफ़ी सारा। ठीक है, हेलमेट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।